जय हिंद, वंदे मातरम। राम जानकी संस्थान, आरजेएस, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस वाणी। आज हम लोग दीदेवार जीवन ज्योति के इस हॉल में हैं, जहां पर हम लोग आज़ादी की अमृत गाथा के श्रृंखलाबद्ध जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके 142वें अंक में हैं। ये 150 अंक तक पूरा किया जाएगा 6 अगस्त 2023 को, जिस दिन 150वें अंक में पुस्तक का लोकार्पण होगा, जिसका नाम होगा आज़ादी की अमृत गाथा। 23 मार्च आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब भारत के उन वीर योद्धाओं ने देश के आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, फांसी पर चढ़ गए और हंसते हंसते शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और इसीलिए आज 2023 में हम लोग उनको याद कर रहे हैं। 1931 की बात याद कीजिए, फांसी पर चढ़ गए थे, लेकिन आज भारत के नौजवान उनके कुर्बानी को याद कर रहे हैं और शहीद भगत सिंह चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम वहाँ पे शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के साथी दलजीत सिंह जी और उनके साथी सभी मिलकर वहाँ पर हम लोगों ने पटेल नगर शहीद भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि करके, और दीदेवार जीवन ज्योति जो पटेल नगर में है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर हम लोग इकट्ठे हैं और यहाँ वेबिनार भी हो रहा है, लाइव यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। और इसके साथ ही हम आज मैं आमंत्रित करती हूँ मन्ना जी को कि वो हमारे ब्रॉडकास्ट हाउस का डेमो दें। धन्यवाद। प्रखर वार्ष्णेय जी हैं पॉजिटिव मीडिया टीम की, और ये 2016 से डेली डायरी न्यूज़ के रूप में बराबर इनका सहयोग मिला है। पॉजिटिव मीडिया हाउस जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं, और किस तरह से ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है, जिसका लोकार्पण भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान के DG प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने ऑनलाइन उद्घाटन इनका कर चुके हैं। अब यात्रा में पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस डेमो करेगी, क्योंकि ये 6 दिन की यात्रा होगी। आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह के दिन से ये शुरू हो रही है। एक और जानकारी देना चाहेंगे कि इसी जगह दीप माथुर जी बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ था दीदेवार जीवन ज्योति में, ये पिछले साल 23 मार्च को ही हुआ था, और उस दिन हम लोगों ने राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, ये स्लोगन लॉन्च किया था। तो प्रखर वार्ष्णेय जी कैमरे के पीछे इसको ब्रॉडकास्टिंग हाउस को संभालेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं कि आरजेएस आजादी के अमृत गाथा का 142वां अंक जो है वो दीदेवार जीवन ज्योति पटेल नगर दिल्ली में किया जा रहा है। 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर, और लगातार हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते रहे हैं। आज जो पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। मैं दीदेवार जी को बुलाना चाहूँगा, आप जो है आज के सह आयोजक हैं, और लगातार हम लोग माउंट आबू जब जाएंगे तो 26 से मार्च से लेकर 31 मार्च तक पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस किस तरह से काम करेगा उसी की एक वानगी है। यहाँ पर हम लोगों के माननीय सभी अतिथि लोग हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ही पब्लिक भी बैठेगी, और बैनर जो है वो 2 बैनर है जो अगल बगल लग जाएगा, वहाँ से ही हम लोग जितना कुछ करना होगा वहीं से प्रेस रिलीज जारी होगी, वहीं से फेसबुक लाइव होगा, वहीं से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, वहीं से वेबिनार भी होगा, यानी हम लोग डायरेक्ट उन चीज़ों को पब्लिक से कनेक्ट करेंगे और उसी को हम लोग पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस कहते हैं। तो आप सभी लोग जो इसको देखेंगे और वेबिनार में आप देख भी रहे हैं, तो हम लोग देश के लिए राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, यही संदेश लेकर एक ऐसे संस्थान में जा रहे हैं जिस संस्थान के संस्थापक ने अपने सारे हीरे जवाहरात के व्यापारी होने के बावजूद, जो आज MNC कहते हैं, वो उस जमाने के MNC थे, और उन्होंने सब कुछ ट्रस्ट को दे दिया, और आज ब्रह्म कुमारी संस्थान पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से आध्यात्मिकता का राजयोग, मेडिटेशन
जिसकी कि हमारे राष्ट्रपति प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भी करती हैं, ये जानकारी मिली है। तो हम लोग भी वहां पर राजयोग मेडिटेशन आत्म उत्थान देश व विकास कल्याण की आध्यात्मिक यात्रा होगी। पॉजिटिविटी और आध्यात्मिकता का बड़ा एक ही सिक्के के दो पहलू है, लेकिन हम लोग गहरा अध्ययन करेंगे। जबकि 7.5 साल से पॉजिटिविटी पे आरजेएस की टीम काम कर चुकी है, तो मैं माननीय राजयोगिनी सुनीता दीदी जी को सादर आमंत्रित करेंगे पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में, और दो शब्द आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये अभियान चल रहा है 6 दिन का। ये 6 दिन के प्रोग्राम में दिन दोगुनी रात चौगुनी करके सभी हम बहुत मेहनत करके इस कार्य को सफल करेंगे, मेरा ये आज से शुभ आज से। ओम शांति। तो सुनीता दीदी जी ने जो कुछ भी कहा है, यानी कि आरजेएस के सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के साथ जो है दीदी का यही मंतव्य है, और हमारे साथ वहाँ पर मिलेंगे बीके सुशांत भाई जो कि राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्म कुमारी संगठन के। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रयास है आरजेएस फैमिली के लोगों को पॉजिटिविटी से ओतप्रोत करने के लिए। आध्यात्मिकता से बढ़कर और कोई मूल स्रोत नहीं संसार में उपलब्ध है, तो इसलिए आध्यात्मिकता का धरोहर जो है माउंट आबू है, भारत है। तो ऐसे ही माउंट आबू में जो परमपिता परमात्मा का जो कार्य चल रहा है प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से सारे संसार को सुख शांतिमय बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, इस कलिजुगी वातावरण को परिवर्तन करके सोच वृत्ति और अपनी प्रवृत्ति को सकारात्मक बना के संसार को सज्जुगी बनाने के लिए जो प्रक्रिया चल रहा है, तो उसमें जाके उस अनंत सागर में जाके डुबकी लगाने का जो ये यात्रा का शुभारंभ होगा, तो मैं सुभावना हार्दिक सुभावना शुभकामना करता हूँ कि वो बिल्कुल आध्यात्मिकता से बिल्कुल सशक्त होके आंतरिक सशक्तिकरण करके समाज को, विश्व को और देश को एक सकारात्मक योगदान देंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं उनकी सफल और सुखद और सुरक्षित यात्रा का मैं कामना करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद बीके सुशांत भाई, काफ़ी लंबा साथ रहा है आपका ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से। ब्रह्म कुमारी संगठन के जितने भी कार्यक्रम के इनवाइट आते थे हम लोग कोशिश करते थे, और अब एक नए आयाम में हम लोग काम करने जा रहे हैं देश के लिए। यात्रा में साथ जाने वाले 3 सम्मानित सदस्य हम लोगों के बीच में हैं। स्वयं दीदेवार जी हैं, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी हैं जो कि आकाशवाणी के कार्यक्रम निदेशक रह चुके हैं और दिल्ली सरकार में OSD रह चुके हैं और MCD के डायरेक्टर रह चुके हैं, दीप माथुर जी जो कि RJS के ऑब्जर्वर हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जो कि सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जब से शुरू हुआ उस बीजारोपण को इन्होंने देखा है, आज जिस स्टेज पर पॉजिटिविटी ने पहुँचाया है उसको भी देख रहे हैं, उसके गवाह हैं, तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर हरि सिंह पाल जी? धन्यवाद मुन्ना जी। आज हम RJS पॉजिटिव मीडिया का जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस है उसके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं चूंकि रेडियो का आदमी रहा हूँ, आज हमारा लाइव प्रोग्राम जा रहा है। रेडियो जब शुरू में आया था तो तब लाइव हुआ करता था, वहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, चाहे हमारे समाचार थे, चाहे हमारे नाटक थे, चाहे हमारा काव्य पाठ था। रिकॉर्डिंग की व्यवस्था तो बहुत बाद में हुई, जब गांधी जी पहुँचे वहाँ पर पहली बार, एक बार गए थे तब रिकॉर्डिंग की व्यवस्था, उससे पहले इसी तरह से लाइव हुआ करता था। और आज भी रेडियो के माध्यम से हम अनेक लाइव प्रोग्राम करते हैं। आज हम जब RJS पॉजिटिव मीडिया का ये ब्रॉडकास्टिंग हाउस का शुभारंभ पहले हो चुका है, इसके माध्यम से हम अपनी बात कह रहे हैं। RJS का जैसा कि आपको मालूम है कि हम 142वीं कड़ी में आज यहाँ उपस्थित हैं, मतलब 141 हम पहले कर चुके हैं, जो हमारा लक्ष्य है 150 तक पहुँचने का, बहुत शीघ्र ही उस तक पहुँचेंगे और उसकी एक स्मारिका प्रकाशित की जाएगी जो हम सब जितने हम मित्र हैं सबको वो हम देंगे, और उनके सबके जो विचार हैं, उनके जो सबके अनुभव हैं उसको हम लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो RJS पॉजिटिव मीडिया का जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस है इसके माध्यम से जो माउंट आबू की जो यात्रा हो रही है, और ये हमारे लिए सुखद और सफल और संदेशकारी रहेगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और जो संदेश है हमारा RJS पॉजिटिव मीडिया का सकारात्मक भारत के निर्माण का, उसको हम पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी संलग्न रहेंगे। ये सिर्फ माउंट आबू तक सीमित नहीं है, इससे पहले अनेक
राज्यों में ये पहले कार्यक्रम हो चुका है। पटना में हम कई जगह कर चुके हैं, बिहार में कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कर चुके हैं और भी पूरे देश में हम ये कार्यक्रम आगे करेंगे। और आप सब जो मित्र इसमें जुड़ते हैं उससे हमें और प्रोत्साहन मिलता है और उत्साहवर्धन होता है। निश्चित रूप से आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चूँकि आज शहीद दिवस है, आज हम शहीदों को का स्मरण यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हमने पटेल नगर का जो भगत सिंह चौक है उस पर जाकर के माल्यार्पण किया और जो शहीद भगत सिंह के साथ में जो शहीद सुखदेव थे, राजगुरु थे, उनकी हम जो शहादत है उनको आज स्मरण कर रहे हैं। और स्मरण करने का अर्थ यह है कि हम नई पीढ़ी तक वो संदेश दे रहे हैं। नई पीढ़ी को इसका इतिहास नहीं जानकारी, उनके बारे में नहीं मालूम। ठीक है, हम किसी अन्य विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं कि भाई कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, लेकिन बावजूद हो जो हमारी जो देश का इतिहास है, स्वाधीनता का इतिहास है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश को आज़ाद कराया, जिसमें आज हम सुरक्षित हैं और सुख की सांस ले रहे हैं। ये हमारे शहीदों का ही प्रताप है कि उनके बलिदानों से आज हम यहाँ पर हैं और आगे इस पीढ़ी को, पूरे भारत को एक सकारात्मक भारत की ओर ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसका हमारा संकल्प है। आप सबको पुनः बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। और आप साथ में डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का पूरा परिवार जा रहा है, क्योंकि अगर जुगल डॉक्टर पुष्पा पाल जी भी साथ में जा रही हैं माउंट आबू की यात्रा पे, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि पूरा परिवार साथ लेके, क्योंकि महिला अगर जाती हैं तो समझिए पूरा परिवार ही साथ चला जाते हैं। मणिपुर भी गए, मणिपुर भी जी सर सर सर। तो जी, तो ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का हम लोग इस तरह से जो डेमो कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इसी तरह का नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारे जो आयाम हैं वो इसमें जुड़ेंगे, वो देखते जाइएगा। ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे यूट्यूब पे लाइव हो रहा है और डेली डायरी न्यूज़ की पूरी टीम, पॉजिटिव मीडिया की पूरी टीम कहें, वो साथ में है। एक और शख्स जो हैं आकाश श्रीवास्तव जी जो जा रहे हैं, आकाश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करेंगे। आकाश श्रीवास्तव जी जो मीडिया से संबंधित हैं, और आकाश श्रीवास्तव जी आइए जी। हाँ, आकाश श्रीवास्तव जी भी काफ़ी तेज तरार हैं, मीडिया में काफ़ी काम कर रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं, स्टार रेडियो के रूप में भी काम कर रहे हैं। दो शब्द आप अपने अनुभव, छः दिन हम लोगों के साथ रहेंगे 26 से 31 मार्च तक। जैसे मैं काफ़ी टाइम से मन्ना जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और आरजीएस फैमिली का एक हिस्सा हूँ, और हमने कई सारे कार्यक्रम भी आयोजन किए हैं, कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। तो इस बार मैं आरजेएस फैमिली के साथ में माउंट आबू जाने का अवसर मिला है, मौका मिला है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। और सबसे पहले तो हम लोग ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर में, क्योंकि वहाँ से न्योता आया है तो वहाँ हमें जाना है। तो वहाँ से हमें बहुत कुछ अध्यात्म की चीज़ें सीखनी हैं, जाननी हैं, और जितना भी हम लोग 5 से 6 दिन की यात्रा में रहेंगे तो जितने भी लोग हम लोग को मिलेंगे तो उन लोगों को भी हम लोग को पॉजिटिव वे में एक लेके चलना है, उनको भी हम लोग को सकारात्मक कैसे रह सकते हैं और अपनी लाइफ में सकारात्मकता को कैसे उतार सकते हैं, तो वो भी हम लोग संदेश देने की कोशिश करेंगे। और वहाँ से भी हम लोग बहुत कुछ सीख के, जान के, समझ के दिल्ली लौटेंगे और ये यात्रा बहुत अच्छी, बहुत सफल होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश श्रीवास्तव जी, और सिलसिला आगे भी चलेगा, ये यात्राएं आगे भी चलेंगी। और राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी को हम निमंत्रण देंगे, वो क्योंकि वो जा रहे हैं वहाँ पटियाला साथ में जा रहे हैं। राजेंद्र सिंह श्रीवास्तव जी, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, श्रीवास्तव जी एक ही बार राष्ट्रपति, सारे परिवार हैं, सारे परिवार हैं। तो राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं, वो आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं और 6 अगस्त को इनके कंधे पे पूरा भार है, तो इसलिए वो कम बोलते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। पुनः मैं सभी का नमस्कार। ये जो है मन्ना जी ने कार्यक्रम शुरू किया है, अभी तो माउंट आबू जा रहे हैं, मेरे को टिकट नहीं मिली, जाता मैं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली और भी संस्थाओं में इन्वॉल्व हूँ। जैसे अभी ये चल रहा है नवरात्रे, तो कई मंदिरों का मैं हूँ, संस्थापक टाइप का हूँ, तो वहाँ पर मेरे को वर्क दिया गया है, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ मेनली। दूसरा जो है, मैं पटियाला जाऊँगा
और या वहाँ पर बैसाखी होती है, उस पर्व को हम लोग पंजाब के अनाजों का और वहाँ के जो जो संस्कृति का थोड़ा सा हम लोग, और माधव क्या नाम है उनका, आचार्य माधवानंद से मुलाकात होगी, हम लोग उनके साथ ही हम लोग जा रहे हैं ट्रेन के, हाँ जो उनके ट्रेन में हम लोग के साथ जाएंगे, ये बहुत खुशी की बात है और ये लगातार पॉजिटिव काम लगातार होता जा रहा है, ये बहुत सौभाग्य हम लोग का और हम लोग पॉजिटिविटी हम लोग के अंदर भी आ रही है, हम दूसरों को भी दे रहे हैं सर, धन्यवाद। चिन्मया मिशन पटियाला पंजाब के आचार्य स्वामी माधवानंद जी जो हम लोगों के मुख्य अतिथि भी वेबिनार में रह चुके हैं, आज़ादी की अमृत गाथा, ये किताब जो है ना आज़ादी की अमृत गाथा, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी ने दिखाया आपको पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में, ये बहुत ही विलक्षण किताब आने जा रही है। ये विलक्षण इसलिए कि देखिए नई पीढ़ी तक इस जो शहीद हो गए उनकी कहानियों को कैसे पहुँचाएंगे आप, तो यही एक माध्यम बनेगा। और भी चीज़ें हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के डायरेक्टर ने जिस पुस्तक का पहला विमोचन किया, पहला पोस्टर का विमोचन किया, तो माधवानंद जी जो हैं वो हम लोगों के साथ ही चलेंगे जाएंगे, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा होगी जो बैसाखी के दिन ही शुरू होगी और हम लोग वहाँ से लौटेंगे 17 अप्रैल को, 14 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक है। ये जो 26 मार्च को जो यात्रा शुरू हो रही है उसमें भी ब्रह्म कुमारी संगठन से हम लोगों के साथ बहन जी जा रही हैं, तो इसके बारे में बीके सुशांत भाई बताएंगे। गाजियाबाद मोहन नगर सेंटर से हमारे पल्लवी बहन हैं जो कि मास कम्युनिकेशन कर रही है, मीडिया स्टडीज़ कर रही है और उनके घर में परमात्मा का ब्रह्माकुमारी सेंटर भी चल रहा है, सब सेंटर चल रहा है, तो वो भी आप जो है 26 और 31 मार्च के दौरान जो हमारे ट्रिप जा रहे हैं आरजेएस के, उनके साथ वो गाइड बन के जाएंगे और वहाँ भी गाइडेंस देंगे और कहाँ साइट सीइंग करना है, कहाँ क्लास करना है, कहाँ क्या करना है, सब मार्गदर्शन वो देंगे, तो वो भी एक खुशखबरी है। पल्लवी बहन आपके साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बीके सुशांत भाई, आप लोगों का सानिध्य बना रहे और जो ब्रह्म कुमारी संगठन है उस संगठन में वो लोग तो पॉजिटिव काम करते ही हैं, लेकिन जो ये मौका आप लोग दे रहे हैं इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, चाहे वेबिनार हो या फिजिकल बैठक हो, दीदेवार जीवन ज्योति में आरजेएस के कई कार्यक्रम हो चुके हैं और आज के सह आयोजक वही हैं। हम लोग कार्यक्रम जो करते हैं उसमें एक आदमी को जिम्मेदारी दे देते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कार्यक्रम में कितना मतलब सहयोग की ज़रूरत होती है। सीएसआर करने के लिए हम आरजेएस फैमिली को आमंत्रित करेंगे और आज ये भी बताना चाहेंगे कि अब जो है अप्रैल तक ये के बाद हम लोग का 2-3 अंक होगा, सकारात्मक भारत उदय दिवस जो है 24 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, वो फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं, तो वो एक अंक होगा या तो 149वां होगा और 150वां तो आप जानते हैं 6 अगस्त 2023 वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जय हिंद जय भारत ऑलरेडी होती रही है। और अगर मैगजीन आप लोग देखना चाहते हैं तो rjspositive.org.in ये आपको दो मैगजीन है, वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत, यानी हर चीज़ आरजेएस का राष्ट्रीय पर्व से जुड़ा हुआ है, जुड़ाव है, ये राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर है, तो इसको लेकर हम लोग आज हम इस बात की अनाउंसमेंट करेंगे। आरजेएस ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं और आरजेएस एडवाइज़र जो हैं हैदराबाद में प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, जिनके एडवाइस से हम लोग 75 से 150 तक पहुँच रहे हैं, उनकी सलाह जो है देश के लिए बहुत ही काम आ रही है। हम लोग हर रविवार मिलते हैं, अब तक अप्रैल तक लगातार हम लोग हर संडे को मिलते रहे हैं, तो 142वां आज़ादी की अमृत गाथा, तो वो जो पुस्तक निकलेगी उसमें तो हम एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आरजेएस फैमिली थोड़ा सा आप लोगों की जिम्मेदारी आ रही है, क्योंकि भारत में मील का पत्थर साबित करना है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को, तो आपको आगे खुलकर आना पड़ेगा और खुलकर हम बोल रहे हैं कि जो मैगजीन निकलेगी उसमें आप अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, वो आरजेएस फैमिली का की मैगजीन होगी, पूरे देश में पहुंचाने की किताब, पूरे देश में पहुंचे, अलग अलग पोर्टफोलियो में जाए, भारत सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों में जाए, क्योंकि आप जानते हैं हमारा संसद और विधानसभा जिस तरीके से चल रही है
वहाँ और कितना सकारात्मकता की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत मानते हैं आप, तो ये आरजेएस जो है वो अपने तन से, मन से और धन से इसमें लग गई है कि पार्लियामेंट और विधानसभाओं को हम लोग और निगम पार्षदों तक, आप समझिए, और पत्रकारों को भी, पत्रकारों को भी सकारात्मक बनना ही पड़ेगा, नहीं तो जो स्थिति आएगी बचना मुश्किल है आपकी छवि को। तो समाज के हर तबके की छवि को बनाने के लिए पॉजिटिविटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और आज ये लोग मान चुके हैं। और हम लोग भारत की भूमि पर हैं, भारत के एक ऐसा इतिहास रहा है, तो हम लोग सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। तो इसको लेकर दीदेवार जीवन ज्योति में आज जो है ये कार्यक्रम हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि साथ में 26 मार्च से 31 मार्च 2023 तक हम लोगों के साथ देने वाले आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी, आप इस यात्रा को किस नज़रिए से देख रहे हैं? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी हमें ज्ञान था कि धरती चपटी है, विज्ञान है, इंसान तरक्की करता है, अपनी बात को करता है कि न्यूटन ने भी अपने लाभ को है, तो जीवन में गोल है। तो अभी भाई साहब ने जैसे बताया कि आकाशवाणी के अंदर हम लाइव करते थे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, और देखो आज इंसान कितना एडवांस हो गया तरक्की है, मगर आज भी लाइव ही में जितना मज़ा है वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। और पुरातन समय के अंदर जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं थी, जिसको हम अनपढ़ कहते थे, वो अंगूठा लगाता था, आज पढ़ के भी हम अंगूठा लगा रहे हैं आधार कार्ड पे। और जीवन के अंदर ये गुलाई है, और ये जो हमारी यात्रा है यहाँ से शुरू होके यहीं पर हम क्या क्या लेके आएंगे, लेके आएंगे पॉजिटिव होके जाना है, और कई गुना पॉजिटिव होके आना है, खुद होके नहीं आना, कईयों को करके भी आना है। जब तक ये उद्देश्य नहीं होगा हम इसमें सफल नहीं होंगे। जैसे मन्ना जी ने बोला है, हमारा जो है हमसे कोई भी कुछ कह ले वो अपना स्वामी है, वो अपने विचार से उसने कहा है, मेरे विचार से वो सही या गलत हो सकता है। जब बात विमर्श होता है तो उसके अंदर कोई रास्ता निकलता है, मगर जब विवाद हो जाता है तो झगड़ा निकलता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, नहीं मैं जो कह रहा हूँ मेरे हिसाब से सही है, आप जो कह रहे हैं आपके हिसाब से सही है। जब ये मान के चलेंगे तो विचार विमर्श से एक रास्ता निकलता है, वो सकारात्मक है, वो सकारात्मक है। हमारे विचार और आपके विचार मिलकर जो दो रंग मिलकर एक नया रंग बनेगा, सो एक नई यूनिटी लेके आएंगे, नई यूनिटी ले आएंगे, यही हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। और इसके अंदर हम सकारात्मक नहीं, कई गुना सकारात्मक बन के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और धन्यवाद, धन्यवाद सुरजीत सिंह दीदेवार जी। और आप लोगों के जो अनुभवों का खजाना है आप लोग, क्योंकि राजेंद्र उपाध्याय जी जो आकाशवाणी के समाचार के डायरेक्टर रह चुके हैं, राजेंद्र लेखक भी हैं, उन्होंने यात्रा वृत्तांत जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने और प्रकाशकों ने छापा है, वो यात्रा वृत्तांत लिखने के मर्मज्ञ हैं, और वो हम लोगों के साथ हैं। राजेंद्र उपाध्याय जी, आप तक ये वीडियो पहुँचेगी, आप भी साथ में हैं। और प्रांजल श्रीवास्तव जो लगातार आरजेएस स्टार भी हैं, उन्होंने एक ग्रुप में देखेंगे तो ऑडियो भी 3 मिनट का उन्होंने जारी किया है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में है संज्ञान दृष्टि और संज्ञान न्यूज़ के। और कौन लोग जा रहे हैं साथ? हाँ, दीप माथुरी जी साथ में हैं, और नौ लोग हैं। मैं भी जा रहा हूँ, सॉरी। और मैं उदय कुमार मन्ना, राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस। प्रखर वार्ष्णेय जी जा रहे हैं 14 अप्रैल को, जो यात्रा शुरू होगी बैसाखी के दिन से। तो प्रखर वार्ष्णेय जी, आप 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ये पटियाला पंजाब आचार्य स्वामी माधवानंद जी, जो चिन्मया मिशन के आचार्य हैं पटियाला के, वो साथ में जाएंगे, तो 14 अप्रैल से जाएंगे। प्रखर वर्ष, पहले तो यहाँ पर सभी उपस्थित अतिथियों को मेरा नमस्कार, और शहीद दिवस पर सभी शहीदों को मेरा नमन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे लिए आरजेएस एक नाम नहीं है, एक परिवार है, क्योंकि आरजेएस के माध्यम से मेरे को जो दिल्ली एनसीआर में पहचान मिली है वो अलग ही मिली है। क्योंकि जब हम अपना पोर्टल शुरू किए थे तब एक छोटा सा पोर्टल था, आज दिल्ली एनसीआर में आरजेएस का काफ़ी नाम है, साथ ही डेली डायरी को भी लोग जानते हैं। हमारे टोटल
8 चैनल हैं और 30 लाख सब्सक्राइबर हैं सारे चैनल्स में मिला के। कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आरजेएस के माध्यम से हुई और आरजेएस ने एक चीज़ और कराई, जब हम उत्तराखंड पर गए, जैसे अभी पटियाला जा रहे हैं, पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं हम लोग साथ में मन्ना जी के, ऐसा ही एक उत्तराखंड का भी हमारा दौरा हुआ था जिसमें आरजेएस के माध्यम से उत्तराखंड का एक पार्ट हमें काफ़ी अच्छे से देखने को समझने को मिला और उस पार्ट में हमने कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो पौष्टिक आहार है उसको प्रमोट करने में आरजेएस की भूमिका में अपना साथ निभाया और जो अनुभव था वहाँ का, जो रिस्पेक्ट थी आरजेएस के माध्यम से जो लोग वहाँ के हमें दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं सारा जो रिस्पेक्ट था वो कहीं ना कहीं आरजेएस की देन था और आरजेएस के कारण हमें जो पहचान और नाम वहाँ पर मिला उससे एक अलग पहचान उत्तराखंड में भी दिल्ली एनसीआर के बाहर डेली डायरी को मिली और यही पहचान शायद अब माफ़ी चाहूँगा कि इस बार वहाँ पर माउंट आबू नहीं जा पा रहे लेकिन वहाँ जा रहे हैं, पटियाला जा रहे हैं, वहाँ पर भी डेली डायरी और आरजेएस की एक पहचान बनेगी। इसी उम्मीद के साथ आरजेएस के संयोजक उदय कुमार मन्ना जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जो भी आज डेली डायरी है कहीं ना कहीं उसमें एक हिस्सा आरजेएस का भी है और उसके लिए मैं तहे दिल से आपका सर धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद प्रखर वार्षने। प्रखर वार्षने ने बिल्कुल सही बात कही है, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी और प्रखर, ये दोनों जिस कार्यक्रम में आए थे गांधी पीस फाउंडेशन में, वहाँ से 2016 में आए थे, 2016 गांधी पीस फाउंडेशन में हम लोगों के प्रोग्राम हो रहे थे, स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम था, वो अवार्ड भी मिला था उसमें, अवार्ड भी मिला था इनको, तो उससे पहले से ये जुड़े हुए हैं। एक और नीरज सोनी जी जा रहे हैं, नीरज सोनी जी चूँकि डॉक्टर हरि सिंह पाल जी का सानिध्य मैंने इन वहाँ तक पहुँचाया था, नीरज सोनी पत्रकार रहे हैं, हिंदुस्तान समाचार जो एजेंसी है उसमें भी थे और फ्रीलांसिंग करते थे, लोक संस्कृति पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो नीरज सोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में मिलते रहते थे, चर्चा होती रहती थी, तो पत्रकारिता की ज़िंदगी में संघर्ष बहुत होता है, पत्रकार काम बहुत अच्छा करते हैं, मैं आप सभी जो लोग भी देखेंगे या मैसेज जहाँ तक पहुँचेगा मैं कह देना चाहता हूँ, अपने अपने हिस्से में उन पत्रकारों को रखिए आप लोग भारत की, क्योंकि पत्रकारिता जो है ना वो इतनी आसान नहीं होती है, एक बार पत्रकार बन के एक महीना के लिए भी देख लीजिए कि पत्रकार की ज़िंदगी क्या होती है, रात दिन समाज के बारे में सोचता है वो। और डॉक्टर हरि सिंह तो जब नीरज सोनी जी मिले तो मेरे मन में ये रहता था कि ये आदमी इंटेलेक्चुअल बहुत है और चूँकि लोक संस्कृति पर उसने काम किया है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी साल रहे हैं वो, तो मैंने डॉक्टर हरि सिंह पाल जी के पास ले गए, उनका परिचय कराया। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी आकाशवाणी में और ब्रज माधुरी के तो इंचार्ज रहे ही हैं, केंद्रीय फीचर यूनिट हुआ करता है उसके इंचार्ज थे, कार्यक्रम निदेशक के रूप में आपने रिटायरमेंट ली और नीरज सोनी जी वहाँ से आकाशवाणी को देखा उन्होंने और देखने के बाद धीरे धीरे उनको आकाशवाणी ऐसी चीज़ है कि आप अगर अंदर चले जाएंगे तो आप बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो एक संस्कार देता है, अगर आपके अंदर चूंकि नीरज सोनी जी में लोक संस्कृति का संस्कार था तो उन्होंने आकाशवाणी में आज भी बड़े अच्छे संस्कृति संदेश करके जो समाचार सेवा प्रभाग प्रसारित करता है तो उसको वो देखते हैं, उनकी स्क्रिप्टिंग होती है, तो नीरज सोनी जी को आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं क्योंकि संभवतः बता रहे थे आज आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की जो DG हैं वो बाहर से आ रही हैं और शायद कुछ ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो नीरज सोनी जी वही यात्रा में साथ जाएंगे। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए उस शख्सियत को आमंत्रित करेंगे जिन्होंने आरजेएस को खड़ा किया। एक सरकारी संस्थान में काम करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद आदमी सोचता है कि अब क्या करें, दीप माथुर जी को एक प्रकाश के रूप में आरजेएस मिला और आरजेएस को उन्होंने इन ऊँचाइयों तक पहुँचाया कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्वागत हो रहा है आरजेएस की फैमिली का और किस तरह से प्रखर वार्षणेय जैसे लोग जो हैं, आज ये युवा हैं, कल इनका मीडिया संस्थान आज भी बहुत बड़ा है, आने वाले दिनों में भी, और जो हम लोगों के आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, मारवा जी का नाम आप भूल गए, मारवा जी, संदीप मारवा जी का जो है उनके साथ भी आपका काम जो है ना वो आरजेएस के माध्यम से जो है वो वहाँ कर रहे हैं आप, तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और भी सारी कहानियाँ हैं। मैं अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूँगा इस आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी को। एक बड़ी इनफॉर्मल गैदरिंग है ये और बहुत हमने बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट किया है, बड़े बड़े नेशनल सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है,
मगर उतना आनंद नहीं आया जितना यहाँ छोटी सी गैदरिंग में आया है। तो मैं आप सबका आरजीएस परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि इतना इनफॉर्मल तरीके से यहाँ बातचीत हुई और हम सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार ग्रहण किए। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से भाई देखिए सुशांत भाई जी का धन्यवाद करूँगा कि वो यहाँ आए और हमको मार्गदर्शन दिया। हेलो वो आई मीन जो मेरे दाएं और बाएं बैठे हैं, मैं समझता हूँ मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, दोनों ही मीडिया के बहुत आधार स्तंभ हैं और बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सुशांत भाई जी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं बीके ऑर्गेनाइजेशन के, और डॉक्टर हरिपाल सिंह जी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर रहे हैं। तो हम तो बहुत कथार्थ हैं, मैं बीच में बैठा हूँ तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अभी डायरेक्टर हैं सूचना MCD सूचना विभाग के। हाँ जी अभी मीडिया तीनों, अरे प्रखर जी और सब बाकी तो आकाश जी ये सब लोग प्रैक्टिकल उसमें हैं। तो मेरे को पूरी उम्मीद है जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस है ये बहुत अच्छा काम करेगा। और मन्ना जी की जो लगन है खैर उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो बहुत हम सब के प्रेरणा सूत्र हैं। और जो एक्चुअली हरिपाल सिंह ने जो आज बहुत हमको बहुत अच्छे एक बातें एक बताई और उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और सुशांत भाई जी ने जो कहा कि जो ये जो हमारा RGS पॉजिटिव मीडिया है, जब हम ब्रह्म कुमारी के उसमें जाएंगे संस्थान में जाएंगे तो पूरी मानवता को सकारात्मकता की लहर के रूप में पाएंगे। हम खुद सकारात्मक होंगे और पूरी मानवता को सकारात्मकता की लहर दे पाएंगे। जब हम खुद सकारात्मक होंगे तो हम अनगिनत लोगों को सकारात्मक करेंगे। ये ब्रह्म कुमारी के जो हम संस्थान में जाएंगे वहाँ से हम बहुत अच्छे प्योर विचार लेकर आएंगे, बहुत मोटिवेटेड होंगे हम लोग, बहुत उसमें आगे बढ़ेंगे उसमें। और उसमें बताया कि भाई हमने मेडिटेशन के माध्यम से हम किस प्रकार सकारात्मकता का विकास करेंगे, और मतलब हमने ये एक हमारी जिम्मेदारी है कि जो ये वहाँ पर मेडिटेशन सीखें और उसकी गहराइयों में उतरें और अपने में सकारात्मकता पैदा करें। ये हम स्वयं को जानें, और क्योंकि वो कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी इसके जो एक बिंदु है जो ध्यान बिंदु है वो सकारात्मकता का एटर्नल सोर्स है। ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और वो परमात्मा का स्वरूप है और वो सभी हम सभी के लिए सकारात्मकता का एटर्नल सोर्स है। तो हम वो लोग जाएंगे, हम सभी उस पर विचार वहाँ पर जाके पूरे ध्यान से हम बहुत गंभीरतापूर्वक आपके जो मेडिटेशन का है कार्यक्रम है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और आपने जो आज बातें बताई हैं सुशांत भाई, हम उससे बहुत अनुग्रहित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑल इंडिया रेडियो के इरशाद भाई साहब बैठे हैं क्या, चले गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और शहीदों को नमन किया और उसको आध्यात्मिक से जोड़ा उसको। और राजेश सूद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेमार्थ संस्था से जुड़े हुए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये हम जो RGS को पूरा सहयोग देंगे आगे। अगर हमको किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो हम आपके पास आएंगे। और आपका इस आश्वासन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 10 लोग ब्रह्म कुमारी आश्रम से कोई पॉजिटिव मैसेज लेकर आते हैं तो वो सैकड़ों हज़ारों लोगों तक पहुँचेगा। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इसके साथ ही साथ राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी तो खैर हमारे फैमिली के मेंबर ही हैं, तो इन्होंने बहुत आए और बहुत हमका मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनीता दीदी के मैं क्या कहूँ, मतलब एक्चुअली हम सोच रहे थे सुनीता दीदी शायद कुछ हमको आध्यात्मिक बातें कहेंगी, कुछ बताएंगी कुछ, वो तो खैर आज उन्होंने जो हमको नई बात बताई जो हमको कि अगर जो हमारे शहीदों ने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं हम उनसे प्रेरणा ग्रहण करें तो हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये मुझे बहुत मतलब हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी विचार है कि हम शहीदों को याद करें
और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और धरती को स्वर्ग बनाएं। हम सुनीता दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन दिया। आप ब्रह्म कुमारी संस्थान से आप लोग सब लोग आए हैं, आप सबने बहुत समय निकाला है हमारे लिए, तो एक हमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है सभी में और हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और हमारे दीदेवार जी तो हमारे साथ ही रहते हैं, तो हमारी इनकी छत्र छाया में रहते हैं और जितना ये सब आयोजन किया गया है सब इनके माध्यम से ही किया गया है। और हम दीदेवार जी ने जो बहुत अच्छे विचार दिए, हमको बहुत बताया कि किस प्रकार ओम शब्द का जो व्याख्या इन्होंने करी है वो हमारे दिल में उतर गई है और हम बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार ओम का शब्द कितना महत्वपूर्ण है और पांच तत्वों का भी इन्होंने हमको खुलासा किया है। वो बहुत हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। और इसके साथ ही साथ जो हमारी बहन डॉक्टर प्राची गर्ग जी हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये हमारे इससे बहुत ही हमारे आधार स्तंभ हमारे इसका बहुत जुड़ी हुई हैं। और मैं तो मन्ना जी को कहता हूं कि भाई प्राची गर्ग जी को बांध के रखिए और हमारे लिए आगे बहुत आपने काम करना है आपने, तो आप सबका मैं शायद किसी का नाम रह गया हो तो मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। और तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप आए और हमको प्रोत्साहित किया। मैं आरजेएस परिवार की ओर से आप सब के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच संचालन कर रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन हो गया है। प्राची गर्ग जी करगिल वार की योद्धा रही हैं और इसी नाते हम लोग बार बार याद करते हैं और ये बहन जी जो हैं कभी इनकार नहीं करती हैं और बहुत दूर से कार ड्राइव करके आज आई हैं। और दिल में धड़कता है क्योंकि जिसको डॉक्टर के अग्रवाल हार्टकेयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उन्होंने कितने लोगों को, वो कहते थे हम लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हार्ट की बीमारी से कोई मरना नहीं चाहिए। और सच में उन्होंने समीर मलिक फाउंडेशन के द्वारा कितने कई राज्यों से लोग आकर और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके जाते थे। आज वो नहीं हैं, आरजेएस फैमिली उनको बराबर याद करती है। उनके सानिध्य में आपने काम किया है। ये बीजारोपण संस्कार जो है माता पिता देते हैं, समाज देता है, साथ में जिनके साथ आप काम करते हैं, इसीलिए आरजेएस फैमिली भी एक संस्कार लेकर आया है, एक आलोक है, एक पूरे दुनिया के लिए है और पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे कहते हैं, जीवन में आपकी दृष्टिकोण सकारात्मक, महिलाओं के प्रति सकारात्मक रहें, ये मुझे भैया कहती हैं, मैं इनके बहन कहता हूँ। दुनिया में यही रिश्ता जो है, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जब जाकर कहा शिकागो में, तो पूरे अमेरिकन उनके अपने हो गए। तो हमारे बीच आदर्श तो बहुत है, जिस तरह से लेखराज कृपलानी जी, ब्रह्मा बाबा जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति को देकर ब्रह्म कुमारी संस्थान खड़ा किए, आप देख रहे हैं। हम लोग इन लोगों की प्रेरणा से, शहीद भगत सिंह की प्रेरणा से, राजगुरु सुखदेव जी, और आप देख रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के हैं, इन सबको लेते हुए हम लोग अपने जीवन में कि हम लोग नई पीढ़ी तक क्या पहुँचाएँ, तो यही है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन। तो मन संचालन कर रही डॉक्टर प्राची गर्ग, मेजर प्राची गर्ग जी के साथ ही ये आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का ये कार्यक्रम जो है संपन्न हो जाएगा। और एक हम और बहन है तो फिर वो वहाँ से शुरू होगा। आप में जो हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं, सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमें समय दिया। और जहाँ तक मन्ना जी है, मन्ना जी तो हमारे को सबको बहुत प्रेम करते हैं और सकारात्मक जो उनकी सोच है, जैसा हम बात कर रहे थे संस्कारों की, हमारा संस्कार होता है तो ही हम जुड़ते हैं, अदरवाइज हम लोग इतनी बड़ी दुनिया में नहीं जुड़ते। हमारा ये पूर्व जन्म का संस्कार होता है जो समाज हमें देता है, हमारे माता पिता देते हैं, और वो आगे पल्लवित होता रहता है, पूरा वृक्ष बन जाता है। इस सकारात्मक सोच को हम आगे बढ़ाएं और इस यात्रा में हम आगे भागीदार रहें। धन्यवाद। तो बहुत बहुत आभार पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के दर्शकों। ये हम लोग अभी डेमो कर रहे थे, लेकिन ये और भी आगे आप देखेंगे
कि इस तरह के जो बैनर लगाकर हम लोग कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, इसमें पब्लिक को भी जोड़ेंगे, हम लोग पब्लिक को भी उसके साथ जोड़ेंगे। तो हमारे पूरे भारत के भाई बहन आप तैयार रहें, अब हम लोगों की यात्रा जो है 26 मार्च से 31 मार्च तक जो है वो माउंट आबू से फिर वापसी 31 मार्च को हो जाएगी, फिर 14 अप्रैल बैसाखी के दिन से पंजाब पटियाला चिन्मय मिशन में आचार्य स्वामी माधवानंद जी के साथ यात्रा शुरू होगी। तो तब तक के लिए आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का ये कार्यक्रम जो है यहाँ संपन्न किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।